Hello everybody. So at first I have changed my channel name from Learn Science to Science Academy. Okay, so Science Academy, this is my new channel name, and in this channel you will get various educational videos. Okay, plus two level, graduation level ki, physics ki, every topics on your choice. Okay, and aur ek advantage milega ki jitna bhi online examinations hota hai. Okay, online एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिफरेंट टॉपिक्स, ओके, उसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, एग्जाम कटअप एंड न्यू एग्जाम नोटिफिकेशंस, ओके, तो ये सब आपको मिल जाएगा. प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस. सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे IIT JAM 2019 की फिजिक्स सब्जेक्ट की कटअप. ओके, तो दिस ईयर कटअप क्या जाएगा, तो देखिए उसके पहले मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि उसकी प्रीवियस ईयर कटअप, ओके, प्रीवियस ईयर कटअप क्या था, तो उसे देख कर हम ओके देखेंगे कि क्या हो सकता है कटअप. तो देखिए पहले चलते हैं 2016 को. ओके, देखिए 2016 में क्यों स्टार्ट किया ना, उसके पहले जो एग्ज़ाम्स हुआ था तब IIT एग्ज़ाम इतना भी पॉपुलरिटी नहीं हुआ था. ओके, तो इसीलिए आफ्टर 2016 तो धीरे धीरे पॉपुलर हुआ है एंड स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई करने मतलब वह बढ़ते लगा. सो 2016 से भी जो एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम जो मोड था, ओके, वो टॉप से धीरे धीरे अभी मॉडरेट एंड ईजी लेवल भी आ गए. ओके, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आता है उसका आप देखेंगे एग्ज़ाम का जो एनालिसिस करेंगे, ओके, मतलब मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड था. कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन नेट टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता, पर अभी MCQs आपको मिलेगा. सो 2016 की बात करेंगे तो 2016 में जनरल के लिए था 13, OBC के लिए 11.5 एंड SC ST के लिए 6.5. 2017 में ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. ओके, तो इंक्रीज होकर 14.79 हुआ जनरल के लिए, OBC 13.31 एंड SC ST 7.39. नेक्स्ट 2018, ओके, तो प्रीवियस ईयर में वो और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ प्लस 3, ओके, प्लस 3 मतलब प्रीवियस ईयर से वो इंक्रीमेंट हुआ है. सो इसीलिए वो 17.05 हुआ है एंड 15.35 एंड 8.53. सो प्रीवियस ईयर की मैं क्वेश्चन एनालिसिस करूँगा उसकी लेवल क्या था, तो देखेंगे यहाँ पे जो सेक्शन सी जो था वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था और डिफ़िकल्ट लेवल भी था. ओके, एंड सेक्शन ए की बात करेंगे तो वो क्या था ना, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो उसका लेवल ऐसा था. एंड सेक्शन बी था जो वो मॉडरेट था पर बहुत थोड़ा सा ट्रिकी टाइप था. ओके, तो आपको बस ट्रिक ही अप्लाई करना है. तो नेक्स्ट अभी बात करेंगे 2019 की बात, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम भी टॉप लेवल से थोड़ा सा ईजी भी हो गया है. ओके, सो देखिए अभी सेक्शन वाइज बात करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन ए बात करेंगे, तो सेक्शन ए का जो लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ऐसे कुछ लेवल आता. एंड बी एंड सेक्शन सी ये दोनों का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडरेट टू इजी लेवल मिल जाएगा. ओके, सो एंड सी भी नेट टाइप जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं था एंड डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ था. सो आई थिंक कटअप भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो उसके पहले हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स को. ओके, तो देखिए ये होता है फिजिक्स का जो टोटल जो IITs टोटल जितना जो उसमें IIT, ओके, 15 या 16 IITs विथ IISc भी है. ओके, तो फिजिक्स की सीट देखेंगे तो ओनली 450 प्लस सीट्स है ऑल इंडिया लेवल में. सो 450 सीट्स को हम सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो देखिए यहाँ पे IIT बॉम्बे, दिल्ली ऐसे सेक्टर मैंने लिखा हुआ है. एंड टोटल सीट काउंट करेंगे तो देखिए मैक्सिमम जो सीट है वो होता है ओनली 48 का है. ओके, तो 48 सीट इज़ द मैक्सिमम एंड लोएस्ट की बात करेंगे तो 20 सीट्स भी है. तो देखिए IIT वाइज फर्स्ट बॉम्बे की बात करें तो 24 होता है जनरल के लिए सीट्स एंड 12 फॉर OBC, 7 फॉर SC, 5 फॉर ST, 48 मैक्सिमम सीट्स. और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे भी है 54 जहाँ पे IIT दिल्ली में. ओके, तो दिल्ली में 54 सीट है वहीं पे जनरल के लिए 27. एंड नेक्स्ट चलते हैं गुवाहाटी के लिए है 48 सीट्स जहाँ पे जनरल के लिए 24, OBC के लिए 13,
एससी के लिए 7 एंड एसटी के लिए 4। नेक्स्ट खड़गपुर, खड़गपुर में भी 46 सीट्स है, तो 24 जनरल के लिए, 13 फॉर एबीसी। तो कोई ओबीसी लेवल पास पास ऑप्शन है, मतलब सारे सीट्स भी इक्वल है ना, सो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ओके एंड 44 आ गया आईएसएम धनबाद के लिए, मार्डर्स के लिए 44 भी। एंड उसकी सीट की देखेंगे तो सेम टू सेम कुछ भी अलग नहीं हुआ है, यहाँ पे बस 22 22 जनरल के लिए, 12 12 भी सेम दोनों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आईआईटी रुड़की के लिए, तो यहाँ पे रुड़की में कम हुआ है, जैसे कि 25। भुवनेश्वर की बात करें वहीं पे भी 20। एंड भुवनेश्वर यहाँ पे वो था, ये था एमएससी का, एमएससी विथ पीएचडी, ओके डुअल डिग्री प्रोग्राम था, ओके एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में 20 सीट से। एंड नेक्स्ट चलते गांधीनगर, गांधीनगर में 30 सीट्स है, ओके तो आउट ऑफ 30 जनरल के लिए 14, 8, 5 जो कि ओबीसी, एससी एंड 3 होते एसटी के लिए। नेक्स्ट इंदौर के लिए, इंदौर के लिए है 24 सीट्स, रोपुर, ओके रोपुर के लिए 24। एंड लास्ट में आते हैं जो हैदराबाद, हैदराबाद के लिए वेरी लो जो कि 20 सीट्स है। तो और कई सारे और भी कितने सारे आईआईटी से मैं मतलब जहाँ पे सीट ज़्यादा था ओके तो उसकी बात किया था। सो टोटल सीट को आप ऐड करोगे तो वो लगभग 450 प्लस आसपास आ जाएगा। ओके तो देखिए ऑल इंडिया में 450 सीट्स है, तो एग्ज़ाम लेवल भी टॉप है, तो आपको रैंक भी ज़्यादा चाहिए। ओके तो जस्ट अब मैं देखता हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, क्या होने वाला है 2019 में आई थिंक। ओके क्योंकि लेवल भी एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी हो हुआ है, तो देखिए एक आई थिंक जनरल केस में, ओके तो जनरल केस में ये 21 to 23 आ सकता है। ओके क्योंकि पहले था 17, अभी शायद 21 to 23, क्योंकि एग्जाम लेवल ओके प्रीवियस ईयर से अभी देखेंगे तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो 21 ही आसपास मुझे लगेगा। ओके तो 21 प्लस भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 18 to 20, ओके तो 18 नहीं तो 17.55 या 18 इंक्रीज ऐसे कुछ हो सकता है। एंड एस सी एस टी के लिए देखेंगे तो वो 10 to 12, ओके तो ये होता है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स, तो कट ऑफ तो नहीं, ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके तो आई होप कि आपका भी क्वालिफाइंग मार्क्स उससे इंक्रीज हो, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई भी क्या एग्ज़ाम के सीट के लिए उसे सीट नहीं मिल जाता है, तो क्वालिफाइंग मार्क के साथ उसे मार्क भी लाना पड़ेगा। ओके एंड आपको पता है ना सीट मिलने के लिए मिनिमम आपको 50 प्लस लाओगे तो वो आपको सेफ आप मानोगे। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए ऊपर एक बना हुआ है कि कौन सा आईआईटीस में प्रीवियस ईयर में मतलब आपके रैंक वाइज कैसे वो सीट को डिटरमाइन हुआ है। ओके आपका मार्क स्कोर क्या है शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी मैं उसके लिए एक बना दूंगा कि आपकी मार्क क्या है एंड मार्क की बेसिस बात करेंगे तो कौन सा आईआईटी इसमें आपको मिल सकता है चांस है। ओके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस एंड थैंक यू।